हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एएम एंड पीएम स्किन रूटीन, जिसमें आपको मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ एक या दो ही ऐसे प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, और जिसके साथ मुझे लगता है मेरी स्किन इतनी ज़्यादा चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिली है, बहुत मज़ा आया है इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एएम रूटीन अपना कैसे फॉलो करती हूँ। ऑब्वियसली फेस वॉश करने के बाद मैं लगाती हूँ एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, और जो मॉइस्चराइजर आजकल जो मैंने यूज़ करना शुरू किया है ना, मतलब उसके टक्कर का मैंने आज तक कोई मॉइस्चराइजर देखा ही नहीं है। तो गाइज मैं आज बात करने वाली हूँ लैनिएज की। ये है गाइज लैनिएज का न्यू लॉन्च भी है। ये है वाटर बैंक ब्लू हाइलुरोनिक क्रीम। इट्स अ ब्यूटीफुल, सबसे पहले मैं आपको पैकेजिंग दिखाना चाहती हूँ। पैकेजिंग इज सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल, यू नो, ब्लू कलर का इसका पैकेजिंग है। और आज मैंने अपना नेल पेंट भी ब्लू है, आज मेरा टी शर्ट भी ब्लू लगाया डाला है मैंने, इवन द हेयर बैंड इज ब्लू। तो आज पूरा थीम जो है ना ब्लू ब्लू है। और तो गाइज ये है लैनिएज का ब्लू हाइलुरोनिक क्रीम, और ये बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ना वाटर बैंक टेक्नोलॉजी वाला जो होता है ना मॉइस्चराइजर, इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग। ये आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करता है। तो अगर आपकी स्किन, आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो, आपको लगता है कि आप वर्किंग हो, मैं जैसे कि वर्किंग हूँ, मेरे को रोज़ धूप में बाहर जाना पड़ता है, प्लस अब मैं 30+ भी हो गई हूँ, तो मुझे अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। स्किन बाहर जाने से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, सन डैमेज हो रहा है स्किन पे, यू नो, एजिंग स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे स्किन में प्रॉब्लम नज़र आती है, इसलिए मैंने इसको स्विच किया है। अब अपनी स्किन पे जो मॉइस्चराइजर है ना, अब मैं ये वाला लगाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका पैकेजिंग, ओपन करेंगे जब आप तो इस तरह के, एंड दिस इज द टेक्सचर, बहुत ही, यू नो, आप देख सकते हो, इट्स वेरी वेरी लाइट वेट, वेरी वेरी सॉफ्ट, और टच करने पे ही ना आपको ठंडा ठंडा सा फील होता है। तो ये मैं आपको सबसे पहले अपने हैंड पे लगा के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से आपको लगेगा। ये बिल्कुल ही वाटरी टेक्सचर है, सुपर सुपर लाइट वेट, स्किन में एक मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये आपको पूरा दिन 24 आवर 36 आवर, आप कितना भी देर, आप जब तक आप फेस वॉश नहीं करोगे ना नेक्स्ट वाला, तब तक आपकी स्किन पे ये सॉफ्ट रहेगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सपल रहती है, एकदम थोड़ी सी ड्यूई भी रहती है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है या खिंची खिंची फील हो रही है। ये आपकी स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ रियली वेरी गुड। और मैं आपको अभी अपने फेस पे लगा के भी दिखाती हूँ ये कैसा लगता है लगाने के बाद, क्योंकि अभी मैंने अपना फेस वॉश किया हुआ है, और आप देख सकते हो बिल्कुल कोई मेकअप नहीं है मेरी स्किन के ऊपर। तो दिस इज़ द टेक्स्चर, आप देख सकते हो, इट्स वेरी वेरी लाइट वेट एंड सॉफ्ट, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है ये स्किन में, और बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सी, आप देख रहे हो मेरी स्किन में कितनी अच्छी जान आ गई है, मतलब इतना अच्छा है ना, इट्स वेरी वेरी लाइट वेट, कोई स्टिकीनेस नहीं है, कोई भी, यू नो, जो कोई भी हैवीनेस नहीं है। तो अगर आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो ना, देन गो अहेड गाइस, आप इसको ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, लैनिएज पे ना नायका पे सेल भी चल रही है, तो आपको ये वाला जो मॉइस्चराइजर है बाय वन गेट वन में मिल जाएगा, बहुत अच्छी ऑफर्स हैं। इनफैक्ट और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अप टू 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट पे बाय वन गेट वन है, किसी पे 15% है, किसी पे 20 है, 25, 30 तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप नायका पे एक बार लैनिएज के सारे प्रोडक्ट जरूर ट्राई करके देखिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और मैं आपको हाईली रिकमेंड भी करना चाहूंगी, और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। एएम पीएम दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो, और कि अब कौन सी स्किन टाइप के लिए ये बना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। गाइज ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए है, तो समर्स के लिए ये परफेक्ट मॉइस्चराइजर है ये, और मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली सी रहती है ना, तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, यू गोना लव इट। और गाइज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस भी दिखाना चाहती हूँ अभी, क्योंकि मैंने एक ही साइड पर मॉइस्चराइजर लगाया ना, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो मेरी स्किन है कितनी ज़्यादा ड्यूई, सॉफ्ट, सपल है, और कितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड लग रही है, और बहुत अच्छी लग रही है। लाइक अगर इसके ऊपर मैं मेकअप लगाऊंगी ना, मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये वाली साइड जो है मेरी, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है, तो ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल ड्राई है, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन ये वाली स्किन ज़्यादा मेरी हेल्दी लग रही है मुझे, और इधर वाली इतनी हेल्दी नहीं लग रही है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर ये लैनिएज का ये लगाऊंगी ना मॉइस्चराइजर, इसके बाद आप देखिएगा स्किन सेम हो जाएगी, बहुत अच्छी, सॉफ्ट, सपल, लुक एट द शाइन, लुक एट द ग्लो, ओ माई गॉड, आई लव इट। सी, आई लव इट, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। गाइज आई हाईली रिकमेंड दिस वाटर बैंक ब्लू हाइलुरोनिक क्रीम।
ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ वो होता है मेरा रात को मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जो मेरा पीएम रूटीन में होता है स्पेशली समर्स में, वो होता है गाइज लिप बाम या फिर स्लीपिंग मास्क आप बोल सकते हो. तो गाइज मैं आपको हाईली रिकमेंड भी करना चाहूँगी. और जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ गाइज वो होता है मेरा लैग्निज का लिप स्लीपिंग मास्क. ये मिंट चोको फ्लेवर में है, वैसे इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं लेकिन मुझे ये वाला मेरा फेवरेट है. दिस इज हाउ इट लुक्स. ठीक है, तो इसके साथ आपको ये छोटू सा स्पैचुला भी मिलता है. पहले मैं आपको स्पैचुला दिखाती हूँ. दिस इज सुपर क्यूट सिलिकॉन का छोटू सा स्पैचुला आपको मिलेगा. ये बड़ा ही फ्लेक्सीबल और बहुत सॉफ्ट है लगाने में. मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. तो आपको जस्ट इतना सा लेना है और अपने लिप्स पे लगाना है इस तरह से. द टेस्ट इज सो गुड. आई लव इट. तो मैं क्या करती हूँ, एक थोड़ा सा ना थिक लेयर अपने लिप्स के ऊपर लगाती हूँ रात को और सो जाती हूँ. तो ये क्या करता है आपकी स्किन को, एक तो आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन सी है ना उसको भी काफी तक हद तक कंट्रोल करने पे हेल्प करता है, क्योंकि सन की वजह से आपके लिप्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, डैमेज होते हैं आपके लिप्स भी. तो आपकी जो स्किन है ना लिप्स की उसके ऊपर भी ये वर्क करता है और आपके जो डेड स्किन सेल्स हैं उसको भी यू नो एकदम क्लीन कर देता है. आपके लिप्स एकदम, जब आप सुबह उठते हो ना आपके लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट सफल स्मूथ आपको महसूस होंगे. तो जब आपके लिप्स इतने अच्छे से यू नो रिपेयर हो जाएंगे रात भर, तो सुबह आप कोई भी लिपस्टिक लगाइए, चाहे आप मैट लिपस्टिक लगाओ लिक्विड लिपस्टिक लगाओ, ज़रूरत ही नहीं है नीचे लिप मास्क लगाने की या फिर लिप बाम लगाने की. आप रात को ये वाला ट्रीटमेंट कीजिए, डेली कीजिए, एंड आई एम श्योर आप इसके बाद कोई और प्रोडक्ट यूज़ करना ही मतलब यू नो भूल जाओगे. दिस इज़ रियली वेरी गुड. ये है लैग्निज का लिप स्लीपिंग मास्क. आई जस्ट लव इट और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी. सो गाइज दिस इज़ माई एम एंड पी एम रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ. और मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ. सनस्क्रीन के बाद अपना ऊपर मेकअप कर लेती हूँ. तो ये होता है एम. और उसके बाद रात को भी पी एम में भी मैं यही वाला मॉइस्चराइजर लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से डीपली हाइड्रेट करता है मेरी स्किन को और मेरी स्किन डैमेज को भी ये रिपेयर करता है. साथ में मैं लगाती हूँ मेरा लैग्निज का लिप स्लीपिंग मास्क ताकि मेरे लिप्स भी सॉफ्ट एंड सफल रहें. सो गाइज ये तो थे मेरा एएम एंड पीएम रूटीन और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी लैग्निज के दोनों ही प्रोडक्ट्स. ये बहुत ही अच्छे हैं, पैसा वसूल है. बाय वन गेट वन ऑफर बिल्कुल मत छोड़ना. लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नाइका पे जाके आप ऑफर चेक कीजिए. मस्ट बाय प्रोडक्ट है, मुझे लगता है मस्ट ट्राई एंड मस्ट बाय. तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.